राजनीतिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उपचुनाव को लेकर यूपी में जारी सियासी जोर आजमाइश के बीच सीएम योगी ने पाकिस्तान और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है और बता दिया है कि पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमे मजबूत मोर्चाबंदी कर रहे हैं। अयोध्या कन्नौज कांड में घिरी सपा बैकफुट पर होने के बावजूद अलग अलग तरीकों से सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यूपी में लोकसभा चुनाव में जिन सामाजिक न्याय जातिगत जनगणना के मुद्दों को बनाकर सफलता हासिल की थी, उन्हीं मुद्दों के सहारे उस जीत की रणनीति को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जनता के बीच यूपी के साथ साथ अलग अलग चुनावी राज्यों में पेश करने की योजना को कांग्रेस लगातार धार दे रही है और इसी योजना को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम पर सीएम योगी ने एक के बाद एक बड़े हमले विरोधी दलों पर कर दिए हैं। सीएम योगी ने 1947 में देश के विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया है। विभाजन की त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंद और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सके। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, सीएम योगी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरा है और कहा है कि वोट बैंक के कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर ये लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूँ कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। सीएम योगी ने आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस की सियासत पर सवाल उठाए हैं और पाकिस्तान के भविष्य पर भी बहुत बड़ा ऐलान सा कर दिया है। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे बल्कि अंग्रेजों के ही ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा।
सीएम योगी ने बांग्लादेश के दयनीय हालात का भी जिक्र किया है, साथ ही साथ हिंदुओं की ओर से बांग्लादेश में अपने हक और हुकूक के लिए उठाई गई आवाज का भी समर्थन कर दिया है। बांग्लादेश की आबादी 1947 में कितनी थी और कितने हिंदू थे? 22% हिंदू थे। आज उनकी संख्या घट करके कितनी रह गई है? 7-8% रह गई है। उसमें भी आपने अभी एक सप्ताह पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के उस प्रदर्शन को देखा होगा जो चटगांव में वहां के हिंदुओं ने किया था। लाखों हिंदू जुट करके वहां पर अपनी बातों के लिए दुनिया के सामने गुहार लगा रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर के, बांग्लादेश के अंदर रहकर के भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही प्रास्त होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर सनातन से जुड़ी बीजेपी की रणनीति पर न सिर्फ अपनी बात कही है बल्कि विपक्षी दलों की सियासत और बीजेपी की सियासत के बीच के अंतर को भी जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ सीएम योगी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और वहां के हिंदुओं के हालात और उसके भारत के साथ साथ विश्व पर पड़ने वाले असर पर विपक्षी दलों की खामोशी को मुद्दा बनाकर बता दिया कि विरोधी दलों और बीजेपी के सिद्धांतों में क्या अंतर है। और सीएम योगी ने समझाने की कोशिश की है कि जनता को आने वाले वक्त में बीजेपी को आखिर क्यों चुनना चाहिए, चाहे बात यूपी के उपचुनाव की हो या फिर अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।